यह है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भारी सीड, जिसका नाम है कोको द मेयर। और इसका जो पत्ता होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता है। और ये पौधा इतना रेयर है कि दुनिया में सिर्फ 2 आइलैंड्स पर पाया जाता है। आज के व्लॉग में आइए चलते हैं वापस सेशल्स के देश में, एक बहुत ही अनोखे आइलैंड पर। तो हम जिस आइलैंड पर जाएंगे उसका नाम है प्रासलिन आइलैंड। एक ये बड़े बड़े प्लेन्स जो लैंड कर रहे हैं हमारे साइड में, और एक छोटा सा प्लेन जिसमें हम जाएंगे। साइज का डिफरेंस इतना बड़ा है ना इन दोनों के बीच में, क्या बताऊं। ये प्लेन इतना हल्का है कि इसे 2 लोग धक्का मार के हिला सकते हैं। अगली बार वर्कआउट करने के लिए एरोप्लेन को धक्का मारें। होप दे डोंट पुश इट टू फार, इट विल जस्ट गो एंड क्रैश इन द। एंड इफ यू आर कैरिंग अ चेनसॉ, इट्स नाउ टाइम टू डिक्लेयर इट। इट्स अ बिट ब्लीच्ड बट फेडेड आउट। Take it out and then declare it at least. ये बंदा पेच टाइट करने लग रहा है। अच्छे से कर ले भाई, इन पेचों के ऊपर हमारी जिंदगी डिपेंड करती है। एक भी ढीला स्क्रू हुआ तो ये प्रोपेलर बाहर गिर सकता है। ये पहला ऑटो था, उसको हेलीकॉप्टर बनाया। आज पहली बार दोस्तों हम अपनी जिंदगी में एक प्राइवेट प्लेन में सफर करने जा रहे हैं, लेकिन वो अमीरों वाला प्राइवेट प्लेन नहीं है जो आप हर जगह देखते होंगे। छोटा सा प्लेन है जो हमें दूसरे आइलैंड पर लेकर जाएगा, और ये दुनिया की वन ऑफ द शॉर्टेस्ट फ्लाइट्स होगी। सिर्फ 15 मिनट की फ्लाइट इस छोटे से प्लेन में। चलो चलते हैं। Wow, it's so tiny. Yeah. Oh my god, the seats are so tiny also. Yeah, like yeah. In a car. Smaller than a car even. Mere pair air se bade hain. Ye exhaust nikal raha hai yahan se. Maximum 5 passengers can. 4 even. Okay. Said again. Yeah. If you have any questions during the flight, you tap me on the shoulder. Okay. Press the button, I can hear you. If you have any questions about the scenics or the islands or anything like that. Okay, great. Okay. Mm-hmm. Enjoy the flight. Okay. Thank you. तो इन्होंने बोला 12 मिनट की फ्लाइट है, एक्चुअली में 15 की भी नहीं है, और 5 मिनट तो प्लेन के इंजन को हीट करने में लगेंगे। AC के वेंट्स हैं यहाँ पर, और अब मैं ये पहन लेता हूँ क्योंकि शोर बहुत आएगा। Can you hear me? झूठ बोल रहा है। बहुत ज्यादा हिल रहा है प्लेन, एक भी ढीला स्क्रू हुआ। सीटों का साइज देखा जाए तो एक्चुअली मेरे हाथ से कंपेयर कर सकते हो आप। एक टाटा नैनो में ज्यादा बैठने की जगह होती है यार इस प्लेन से। जो आमतौर पर पैसेंजर प्लेन्स होते हैं वो करीब 10,000 मीटर की हाइट पर फ्लाई करते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ 480 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड फ्लाइट्स भी है जो आज तक हमने ली है। करीब 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है जिससे हम लैंड किए हैं। कोई ज्यादा तेज नहीं है, गाड़ियां भी इससे तेज जा सकती है। और कुछ इस तरीके से 12 मिनट बाद हम आ गए हैं प्रालिन आइलैंड, जिस पर एक छोटी सी लैंडिंग स्ट्रिप है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एयरपोर्ट के नाम पे एक बिल्डिंग बनी हुई है। ओम शांति मिनी मार्केट। ये है फोर्ड फर्डिनांड नेशनल पार्क जिसमें हम जाने लग रहे हैं। यहाँ पे बड़ी स्पेशल चीजें मिलती हैं। दीज लीव्स बिहाइंड आर आल्सो फ्रॉम कोको द मेयर। Yeah, because they're so big that they act as a boundary wall. Entrance पर ही यहाँ पर इतनी सारी कोको डे मेयर की सीड्स रखी हुई हैं। And they're thick. Wait, let me try pick them up. I don't know if you're allowed to. You should ask for. Can I pick them up? Don't damage it. Be very careful. Oh, they're not that heavy. Yeah, because that's already the old one. That's already the old one. As it stay longer, the inside gets lighter. Can you see the size compared to me? Yeah, I have to interrupt for VIP. Who just arrived. And you may look he's big but he's tiny. He's very tiny. Scared him a bit. ये वाला पेड़ भी बड़ा यूनिक है। इसका नाम है पांडानस, क्योंकि इसमें कोई मेन ट्रंक नहीं है। नीचे से रूट निकलती है, बड़ी होती है, और ऊपर से और टपक जाती है जो कि नीचे अंदर जाकर ढस जाती है। जैसे कि ये देख रहे हो, ये अभी नीचे गई नहीं है, लेकिन वो वाली ऑलरेडी नीचे जा चुकी है पूरी कम्प्लीटली। He's so cute. So small. Yes. It's so small, it's like my fingers are so big. It might scratch you. Yeah, because you're coming so weirdly from the front. And then how should I come? Let it come to you. These are the ones that you can do. Yeah. Okay. Are they already mature? Yeah, it's how, already mature. Normally, how long? How many years? When we start planting a tree of the coco de mer, we take the seeds, we let it sprout.
which like this here, like you can see. Oh, okay. It's that here. Normally, to have the first sprout, it will take 7 months. So after 7 months, the coconut give you the first sprout. Every year, it will give you one leaf. Every year, one leaf. Every year, one leaf. Up to 25, then we will see if it will be a male or a female after 25 years. How heavy? You can't pick it up with them. What the hell? At least 20 kilos iska weight hoga. Isko uthaya ja sakta hai jabki. इन्होंने बताया ये लोग इसकी एम्प्टी शेल को कटोरे की तरह भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें पानी भरा जा सकता है, खाना खाया जा सकता है, इसे इसकी तरह मसाले पीसने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्होंने बताया करते हैं यहाँ पर लोग एक्चुअली में इसकी खाली शेल को उसके लिए यूज. कोको दे मेयर का प्लांट है एक्चुअली में. और ये पत्ते का साइज देखो. इन्होंने बताया हर साल बस एक ही पत्ता निकलता है इसका, तो पत्ते गिन के हम एक्चुअली में एज बता सकते हैं. इस पे 10-12 पत्ते लगे हुए हैं तो ये करीब 10-12 साल का है ये प्लांट. ये मैच्योर सिर्फ 35 साल की एज में होते हैं. इनकी यूनिक शेप के पीछे भी एक बड़ा पर्पस है. आप देखोगे एक फनल की तरह है ये. जितना भी पानी टपकता है चैनल के थ्रू नीचे आता है और यहाँ आ जाता है ताकि प्लांट के बेस को पानी मिल सके. तो करीब से अगर देखोगे जैसे इस वाले को, यहाँ पे पानी के फ्लो करने की बड़ी सुंदर सी जगह बना रखी है प्लांट ने. ये देखो इस वाले में भी एक बिल्कुल पाइप टाइप की बन गई है, सारा पानी नीचे कलेक्ट हो रहा है. कमाल का प्लांट है ये. सबसे यूनिक और सबसे अजीब प्लांट है जो आज तक हमने देखा है कभी भी. तो ये जो सीड्स हैं ये एक्चुअली में उस फ्रूट के अंदर बंद हैं और आपको कैमरे में देखकर लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो कोकोनट से हैं इनका एक्चुअल साइज 5 गुना बड़ा है एक्चुअल जो रियल कोकोनट होता है उसके कंपैरिजन में. ये जब नीचे गिरता है तोड़ के निकालोगे उसके अंदर ये सीड निकलती है. लुक्स लाइक दिस, बेसिकली लाइक अ कोकोनट एंड देन लेटर ऑन द एक्चुअल सीड इज ऑन द इनसाइड एंड देयर यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ इट कमिंग आउट. आप देख सकते हो इंसानों से कितना सिमिलर है ये. ये इसका मेल वाला हिस्सा है. इस प्लांट का जो ऊपर लगा बड़े लंबे लंबे होते हैं ये. There you can see it on the tree. ये इसके फ्लावर्स हैं और इनकी स्मेल एक्चुअली में बासमती राइस की तरह है. एक और मेल पार्ट है. इस पर फ्लावर्स आप देख सकते हो जो ये लगे हुए हैं. ये सूख कर नीचे गिर चुका है पॉलिनेशन के बाद. ओह माय गॉड, लुक हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड. ये इतना यूनिक है कि लगता ही नहीं कि ये धरती पर है. ऐसा लगता है कि किसी एलियन प्लेनेट का हिस्सा हो ये. ये एक और प्लांट था यहाँ पर. इन्होंने बताया इसका जो फ्रूट है बहुत ही गंदी स्मेल होती है, लेकिन इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा है. यू कैन स्मेल इट. It smells like rotten. Yeah. Rotten fruit. इस वाले पेड़ के सिर्फ दो ही पत्ते निकले हैं, यानी ये 2 साल का है. Look, this is only 1 year old. Seeds when it sprout, normally it goes to settle the root, and then it comes over. It comes over. Oh my god, that's such a big spider. No, they are not dangerous. No, they're not dangerous, I'm not scared. They will feel the presence of people and will try to go away. ये वाला बहुत ही बुजुर्ग है कोको डे मेयर. इसकी एज 150 ईयर से ज्यादा की हो रखी है. इन्होंने बताया 400 साल तक जी सकते हैं ये पेड़. And this one, we are predicted it's around 15 to 20 meters tall. Oh, yeah. So how old? 200? Approximately. 200 years. ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह फील होता है. कभी इसे घर की छत बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. That we can see on the vanilla plantation. It's similar one. But this one, we call it a wild vanilla because it's grow wild. Wild vanilla. ये एक और फ्लावर है. ये डेकोरेशन के लिए घर में लगाया जाता है. कहते हैं कि ये ह्यूमिडिटी अब्सॉर्ब करता है. अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिड है एनवायरनमेंट तो. Let me wear it. How does it look? Very nice. Yeah. Like some grandma or something. Okay, then let me shift to Napoleon mode. Now it looks like you're going to war actually. Yeah. Oh, this is very effective. If I wanna, you know, for the other army soldiers, I can be like. Here's some spikes. Yeah. You know. Looks small enough, trust me. Does it seem big? Yeah. 10 meter जितना लंबा हो सकता है इसका एक पत्ता. सिर्फ 4 से 9 महीने के बीच में इसके जो सीड्स होती हैं उन्हें खाया जा सकता है इंसानों के द्वारा. कुछ लोग खाते भी हैं, बहुत महंगा होता है, लेकिन अच्छा नहीं है क्योंकि ये बड़ा एंडेंजर्ड प्लांट है. दुनिया में सिर्फ 2 आइलैंड्स पर ये पाया जाता है और ये आइलैंड कितना छोटा है आप जानते ही हैं पूरी दुनिया में. इमेजिन करो, तभी इन्होंने फाइन लगा रखा है अगर कोई इसे खाएगा या चुरा कर लेकर जाएगा इस सीड को, इस प्लांट के किसी भी पार्ट को. जेल भी हो सकती है यहाँ पर सेचल्स में. पानी में भी कुछ है.
Oh wow, that's so big. Yeah. Is there like, enough water for him? Yeah. It's very little water. Yeah, it's camera parani, right? You can see that he looks like he's hungry. He wants something to eat. With a shell? No, he peels it off. He does it. He peels the snail itself. Wow. Now he doesn't want to go back. I'm gonna leave him there. यहाँ दुकानों पे लोगों ने सेशेल्स के फ्लैग के अलावा ब्राजील और फ्रांस का भी लगा रखा है। टैक्सी वाले ने हमें बताया कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में यहाँ पे बहुत से लोग ब्राजील और फ्रांस को सपोर्ट करते हैं। ब्राजील पता नहीं क्यों, लेकिन फ्रांस इसलिए क्योंकि फ्रेंच ने कॉलोनाइज किया था इन आइलैंड्स को। ये कुछ लोकल दुकान है यहाँ की, बड़ी ही रंग बिरंगी दुकानें हैं। घर यहाँ पर काफी रंग बिरंगे हैं। कुछ सिक्के मिले हैं यहाँ पर, बड़े इंटरेस्टिंग सिक्के, क्योंकि 5 रुपये के ऊपर पिचर प्लांट बना हुआ है और एक और दूसरे वाला 5 का है, उप्स, इसके ऊपर कोको डे मेयर बना हुआ है और पीछे से ऐसे दिखते हैं ये। अब लंच के लिए रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए हैं, इनकी तरफ से ही सजेशन थी। Now you can see that island clearly. यहाँ पे टॉयलेट्स पे भी कोको डे मेयर बना हुआ है, मेल पार्ट जो फ्लावर का होता है और जो सीड है। बढ़िया खाना हो गया है यहाँ पर। खाने में इंडियन सब्जी और चावल स्टाइल ही था। लोकल खाना भी इनका काफी इंडियन से मिलता जुलता है। और क्या व्यू है यहाँ पर। इसी रीजन से हम कभी गाड़ी रेंट नहीं करना चाहते, इन जगहों पर गाड़ी चलानी बड़ी मुश्किल है। ये गाड़ी आ रही थी, इसका टायर इस नाली में गिर गया, अब वो निकाल ही नहीं पा रहा। ओह माय गॉड, वो पत्थर पीछे प्लेस करेगा तो कार टायर को शायद पीछे ले जाया जा सके। ये है आंजे लाजियो दोस्तों, इस आइलैंड का सबसे बेस्ट बीच ये कहते हैं, और इस आइलैंड का नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में से गिना जाता है। बहुत तेज धूप निकली हुई है, मैं चश्मे नहीं लाया इसलिए आंखों को ऐसे करना पड़ रहा है, लेकिन बीच का नज़ारा आप कैमरे में बड़े क्लियरली देख सकते हो। यूली ने मुझे अपना चश्मा दिया है ताकि मैं देख सकूं यहाँ पर। How is it? Better than your red ones. I prefer my red ones. I find them better than your red ones. ये सोनिया और पावल ने अपना प्यार यहाँ जताया है बीच के सामने। Welcome to one of the most beautiful villas I've ever been in. Wait for it. Wait for it. Look at that view. Isn't that amazing? What a dream this villa is.